नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लापसी। गणपति बप्पा को लड्डू और मोदक का भोग तो लगाया ही जाता है, लेकिन पारंपरिक तौर पर लापसी का भोग भी लगाया जाता है। तो आइए लापसी किस तरह बनाई जाती है हम देखते हैं। लापसी बनाने के लिए मैंने एक कप बारीक दलिया लिया है। बारीक दलिए की जगह आप मोटा दलिया भी ले सकते हैं। मैंने बारीक दलिया इसलिए लिया है क्योंकि बारीक दलिया पकने में कम समय लेगा। और एक कप गुड़, जिसको हमने चाकू की सहायता से बारीक बारीक काट लिया है। किशमिश, कटे हुए पिस्ता, इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम और एक बड़ा चम्मच देसी घी। सबसे पहले गैस ऑन करके हम कढ़ाई को गर्म करने रखेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे। थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है, इसको हम बाद में डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें दलिया डालेंगे और ब्राउन होने तक सेकेंगे हम। देखिए दलिया हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। देखिए दलिया गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। जिस कप से मैंने दलिया मापा था उसी कप से हम 3 कप पानी डालेंगे। दलिया को एक बार चला देंगे। दलिया पकने में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने 3 कप पानी डाला है। दलिये का पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम उसको चेक कर लेंगे। यदि दलिया नहीं पका और उसमें ज़रूरत पड़ी तो हम और पानी डाल सकते हैं। देखिए दलिये में उकाला आ गया है, अब हम ढक्कन से इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक पकने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। हम दलिये को बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए दलिये का पानी सूखना शुरू हुआ है और दलिया भी फूल गया है। एक बार फिर से हम ढक्कन से कवर कर देंगे। इसको 10 मिनट हो चुके हैं। आइए हम दलिया चेक कर लेते हैं। हमारा दलिया पक चुका है, अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दलिया पकने के बाद ही गुड़ डालें। यदि आप पहले डाल देंगे गुड़ तो दलिया स्टिकी हो जाएगा और पकने में भी टाइम लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गुड़ डालने के बाद लापसी का रंग ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। किशमिश डालेंगे, थोड़े से बादाम और थोड़ी सी पिस्ता। थोड़ी सी बादाम पिस्ता हमने गार्निशिंग के लिए रख लिया। जो हमने घी बचाया था वो भी हम डाल देंगे लापसी में और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए लापसी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यदि आप ड्राई फ्रूट डालना नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन लापसी में आप इलायची पाउडर जरूर डालिए। लापसी बनके तैयार हो गई है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लें और गणपति बप्पा को भोग लगाएंगे। देखिए लापसी को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, अब हम इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। देखिए हमारी लापसी बनके तैयार हो गई है। आप भी इस विधि से लापसी बनाइए और गणपति बप्पा को भोग लगाइए। तो ये थी लापसी बनाने की विधि। आप भी इस विधि से लापसी बनाइए और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। गणपति बप्पा मोरिया।